हमारे साथ आज आए हुए हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और हमारे प्रिय मित्र श्री अर्जुन सिंह जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश भाई जी बांग्ला जाना ना, और हमारे यहाँ के जिला के अध्यक्ष बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे सभी वरिष्ठ सज्जन वृंद, स्वर्ण के नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भक्ति चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जन्म स्थान पर आने का सौभाग्य मिला। यह उनकी जन्मभूमि, पवित्र भूमि और कर्म भूमि रही। ऐसी पावन भूमि पर आकर के मैं भाव विभोर हुआ हूं और सबने यहां से जो काम उन्होंने बंगाल के साथ साथ भारत के स्वाभिमान का पुनरुत्थान का काम जो उन्होंने किया, ऐसे महान शख्सियत को मैं नमन करता हूं और उनसे प्रेरणा लेता हूं। ये जो राष्ट्रीयता का रिवाइवलाइजेशन हुआ, जिस तरीके से हम विदेशों की गुलामी में थे उससे निकालने का रास्ता, और बंगाल का प्राइड, बंगाल का स्वाभिमान और बंगाल के स्वाभिमान के साथ साथ भारत का स्वाभिमान, ये उन्होंने जन जन में जागृत किया। अगर हम बात करें जो उनका राजनीतिक उपन्यास और जो उन्होंने कल्पना की आनंद मठ, वो सच में हम सब लोगों को एक दृष्टि और दिशा, जो उन्होंने सन्यासी रिवाइवलिज्म की रिबेलियन विषय को लेकर के आनंद मठ जो लिखा, वो हम सबको एक दृष्टि देता है। और हम सब जानते हैं कि इस पुण्य भूमि पर, इस पवित्र भूमि पर, इस जगह जहां वो जन्म लिया उन्होंने, वहां आज मुझे वो जगह देखने का मौका मिला। वो कुर्सी और टेबल जिस पर बैठ करके उन्होंने वंदे मातरम की रचना की, वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी। मैं ये कह सकता हूं कि वंदे मातरम ये भारत में आजादी का नारा है, भारत का नारा है, जन जन का नारा है। और हम सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग वंदे मातरम गीत को जिस दृष्टि से देख करके और जो भारत की कल्पना हम देखते हैं, उसकी हमको प्रेरणा मिलती है। ऐसे पवित्र स्थान पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। आप सब लोगों का जो मैंने जोश देखा, वो आप बंकिम चंद्र जी के जीवन से प्रेरणा देने वाला जोश मुझे दिख रहा। और मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने जो हमको दृष्टि दी है, दिशा दी है, वो भारत का समाज, वो बंगाल का समाज अपने साथ आत्मसात करके उसके साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। और हम जिस कल्पना को लेकर के आए हैं, सुनार बंगला, उस सुनार बंगला में हम सब लोग आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है बंगाल में, बंगाल का ही देश को, दुनिया को एक दृष्टि दी। फिर चाहे वो हम स्वामी विवेकानंद की बात करें, फिर चाहे वो हम गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की बात करें, फिर चाहे वो हम भगवती चंद्र चट्टोपाध्याय, फिर चाहे हम ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बात करें, फिर चाहे हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें, सबने बंगाल को जो दृष्टि दी, देश
दुनिया को भी दृष्टि दी है, यह हमको ध्यान रखना। और भारतीय जनता पार्टी बंगाल की संस्कृति को सर्वोपरि मानकर, एक हमको दिशा देने वाली संस्कृति मानकर उसको हमको आगे बढ़ाना, और उसको ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आज जो हमको प्रेरणा मिली है उसी प्रेरणा में से सोनार बंगाल बांग्ला की ओर बढ़ना हमारी जिम्मेवारी है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।